अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो आज के व्लॉग में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। कंप्लीट व्लॉग देखिएगा, अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस कर दीजिएगा, मुझे वापस करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी भाभी जो है वो सबके लिए गिफ्ट लेके आई थी। जैसा कि आप सबको पता है, शादी होती है, दुल्हन जो आती है तो अपने नंदों के लिए या देवर जेठ सास ससुर के लिए कुछ ड्रेसेस जो हैं वो लेकर आती है, जो कि ज़रूरी नहीं है लेकिन ये एक रस्म है जिसको कहा जाता है कि ये वो पता नहीं। खैर, वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो बहुत ही अच्छे गिफ्ट अभी सबको देते हैं, वो भी दिखाती हूँ। उसके बाद जो है ना वो बहुत मज़ा आने वाला, रात लेट नाइट तक हम लोग जागते रहे थे, बहुत सारी मस्तियाँ की थी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल ये सारे जेंट्स के सूट हैं, वो लेडीज़ के हैं। और चले अभी चलते हैं, चलकर जो है ना वो देखते हैं कि भाभी किस किस के लिए कौन कौन सा सूट लेकर आई और मेरा इनमें से कौन सा वाला सूट होने वाला। चले भाई, ये रीदा सबके लिए गिफ्ट लेके आई है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने इसको बोला था कि कोई मसला ही नहीं है इस मतलब कि इतने ज़्यादा गिफ्ट का, लेकिन वो कह रही है मैं अपनी खुशी से लेके आया हूँ, ठीक है। मुझे एक मतलब शौक था कि मैं सब बहनों को और बहनों के हस्बैंड को ये गिफ्ट दूँ, ठीक है। बाकी एक रस्म होती है ये, लेकिन ज़रूरी कोई नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जरूरी कोई नहीं है, ठीक है, तो किसी का टेंशन नहीं है। बाकी यह वीडियो वैसे खुशी ना मिलता है, क्यों नहीं था डाइनिंग टेबल मेरा पीछे अमीगा। तो भाई ये महाजी का डर देखता है, ठीक है, इधर करके दिखाएं हमें थोड़ा सा। ये सब बोले वाओ, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर किया था, जो आप सबने बहुत पसंद किया, यूज़ आपी का ड्रेस है, लड्डू पीला है। आ गया, वाह, ये आपके स्मार्ट हस्बैंड फाइव स्टार के लिए। फिर से बोलो बाबा, वाह, नहीं वो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट वाह। एक मिनट, एक मिनट, वापिस आपी बाई स्थान है तो कसमी पकड़ ली है। थैंक यू रीदा, ये हमारी ब्यूटीफुल प्यारी सी आपी। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लविंग लाइक अ वाओ। बोलो मुझे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लविंग लाइक। वैसे ये कलर आप भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना। हाँ, क्या हुआ है? ओ, इसको नहीं आते। यूसुफ बोलो, यूसुफ के पापा।
So beautiful, so elegant. ब्यूटीफुल सो एलिगेंट सब बोल दो एक दफा थैंक यू सो मच भाभी बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं थैंक यू सो तो जी अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई अभी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज का मेरा व्लॉग सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाभी का कि वो बहुत ही प्यारे गिफ्ट सबके लिए लेकर आए बहुत अच्छे ड्रेसेस थे सबके और अभी जो है वो यहाँ पे मुकाबला चलने लगा पहले दोनों भाभीियों का फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ का भी होगा फिर हम बहनों का भी होगा और उसके बाद जो है रात लेट नाइट तक हम लोग जागते रहे और मतलब सब देखिएगा आप बहुत मज़ा आने वाला इंशाल्लाह ये राजपूत ने सुनो एक मिनट में कितना था ये देखो ये राजपूत ने का हाथ है राजपूत ने यासीन अपनी बदला लेता हूँ अभी टेंशन लेनी चलो भाई यासीन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे यासीन भाई भी सॉन्ग चलो स्टार्ट चले भाई आओ सारे बोलो आओ देखे जरा किसमें कितना है दम यासीन रईस यासीन रईस यासीन रईस यासीन रईस बदला लेता हूँ मैं रिदा रिदा बदला नहीं ना नो 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 चीटिंग 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 ये चीटिंग हुई है हाँ अब आएगा डॉक्टर साहब का और एक बिजनेसमैन का मुकाबला और लव आश्रम चले पहले ही निकल गया जी मेरा और मेरी बड़ी मापी का मुकाबला होने लगा अभी चले एक या तो एक जगह रख लो स्टार्ट 1 2 3 है ना उधर पे दो ये दिखाओ जरा आपके पापा चलाते हैं बराबर बराबर करो ये बच्चों को साइड चलो आ रहे आगे आई जा रहे मारो नहीं ये करो
ये तो चीटिंग का नहीं भाई सारा और बचपन में ये जी चिट्ठी आदमी सुनी है जब स्टार्ट करो किसान के साथ है ना Are you ready? 3, 2, 1, go! 3, go! On कर दो. तो भाई किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कमज़ोर देख के लड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं है. ठीक है, वाकई में मैं आप ही से बहुत मोटी हूँ और माशाल्लाह लगती भी बड़ी हूँ. मेरा हाथ देख सकते हैं किस कदर पीला हो गया था और आप ही ने इतनी ज़ोर से दबाया हुआ था. यकीन करें मुझे नहीं था पता कि आप ही में इतनी जान है. उसने मुझे हरा दिया. आप सोचे ज़रा इतनी मोटी बंदी को हरा दिया उसने. पहले बोलो 1 2 3 1 2 3 टचन बस बीबी कम खबर इसको बंद करो. 1 2 3 देखें जरा किस में भाई साहब ने पहले शुरू कर दिया. नहीं नहीं चीटिंग है भाई साहब ने पहले शुरू कर दिया. वापस 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 नहीं वापस चीटिंग है चीटिंग है. तुसी पहले शुरू कर दिया. मैं पहले गया सी. एक मिनट जो मैं कहाँगी हो दो एक मिनट अति रखो अति रखो. आज 1 2 एक मिनट सेंटर जी 1 2 3 गो स्टार्ट. बस बस छाड़ दो बैलेंस से नहीं छाड़ दो हो गया. हाँ थोड़ा दर्द हो गया छाड़ दो बस हो गया छाड़ दो हो गया बस टाइम खत्म. हम अभी अम्मी तो सो गई थी. हम सब बैठे हुए थे एक रूम में बातें कर रहे थे और बातें करते करते दिल किया चलो पिज्जा मंगवाते हैं. और यहाँ पे अभी पर्चियाँ निकलेंगी जिसका नाम निकलेगा उसको पिज्जा खिलाना पड़ेगा. बात कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे भाई ने पिज्जा खिलाना है वो खिला नहीं रहे हैं और अब यहाँ पे पर्चियाँ निकलने लगी कि जिसका नाम आया वो पिज्जा खिलाएगा. और आया भाई साहब का नाम तो वही पिज्जा खिलाएंगे और कुछ नहीं खिलाएगा. एला मेरा नाम निकल आए पहले गेम समझ आ गई एला पहला मेरा नाम निकल आए तीन पर्चियां जो निकलेंगी वो बाहर हो जाएंगी गेम से मतलब वो पिज्जा नहीं खिलाएंगी. सबसे पहले कौन बाहर है ये बंदा बाहर है नहीं खिलाएगा. ये बंदा पिज्जा नहीं खिलाएगा. और वेरी लकी जो भी है ये वेरी लकी पर्सन. Oh my god!
वो पहले ही वायर है। महक रह गई, महक अब रह गई जीना आपकी और महक। शिट नहीं, अब शिफ्ट हो रही है महक जाना, वो रुबाब मतलब रुबाब एंटर हो गई। लेकिन ये गेम ओवर है, मतलब पिज्जा नहीं मंगवाना, खत्म। क्यों बात माफ किया है? रईस पे पूरा ट्रस्ट है, वो चीटिंग नहीं कर सकता। तीन जो नाम थे जो हम लोग बाहर हो चुके थे, मतलब हमने पिज्जा नहीं था खिलाना। अब ये तीन बंदे एंटर हैं जो एक बंदे ने बाहर कर देने मेनू काट दो। चलो चलो आओ महनाज, तुम उठाना पर्ची। एक बंदा जो बाहर होएगा किस्मत महनाज उठाएगी लकी बंदा महनाज। अच्छा जरा हूं पर्ची निकलेगी आउट नहीं मतलब हूं जी पर्ची चुकी जाएगी नहीं ठीक है चलो मैं चलो मैं उठा कोशिश करना मेरी निकले पर्ची। आपने दो पर्चियां उठानी है और एक रहने देनी है पीछे, ठीक है? दो पर्चियां उठा के मुझे दे दो, एक आपने उठा ली है और एक आपने उठा ली है। ये वो भाई स्टार वाले, पहले भाई स्टार वाली खोल लो। नहीं वो चेंज कर लेंगे रईस, अगे सामने रखो। रईस बाहर हो गए क्या करना चाहिए? अब ये लास्ट फाइनल करना चाहिए। पिज्जा मेरे हाल में कैंसिल कर देना चाहिए। जी पिज्जा तो मैं भाई वाक करके जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चावल खाए थे जगह बनाई पेट। जी जी मैंने अभी राइस खाए थे, मुझे पता चला पिज्जा आ रहा है। मैं बाहर कभी इधर और फिर अब मैं आया हूँ। अब अस्सलाम वालेकुम जी, रेट्रो से बात कर रहे हैं ना? अच्छा एक्सेल का क्या रेट है भला पिज्जे का? 2200 क्या? तीन एक्सेल कर लें अपना, एक फजीता कर लें, एक चिकन टिक्का कर लें और एक हॉट एंड स्पाइसी करवा लें। मलाई नहीं, तीसरा जाना मलाई कर लें। एक फजीता सेम कर लें, सेम कर लें रिमशा, सेम ना करो। वो बच्चों के लिए आइटम है ना, मलाई का 2400 का वो कर लें मलाई। नहीं ठीक है करना, मलाई तो कर लो मेरी और सेम कर दे टिक्का पोटी कर लो पीछे खा लो। हॉट एंड स्पाइसी कर लो और दो फजीता कर दे। और दो कोल्ड ड्रिंक्स कर दीजिएगा साथ, कोल्ड ड्रिंक्स रहने दीजिएगा। सिर्फ तीन एक्सेल जी।
एड्रेस लिखना चाहेंगे? तो व्यूअर्स आप सब गवाह हैं कि ये देखें, ये पैसे मैं अपने दे रही हूँ रईस भाई को। रईस भाई ये मेरी तरफ से पिज्जे में ऐड कर लें, ठीक है जी? ठीक। अब मेरे वालों कोई शिकायतें नहीं? मुझे तो पहले भी नहीं। अपना हिस्सा डाल दे बस इसमें। ये किसके हिस्से थे? मेरा ही रह गए। तो भाई ये सब हिस्सा डाल के फिर पिज्जा मंगवाने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज्जा ऐड कर देना मेरा 300 रुपए कम है उसमें। भाई सर आप फैक्ट्री के मालिक हैं, इस तरह ना करें। लो असलियत असलियत देखो, फैक्ट्री के ओनर की असलियत देखो कि 300 रुपया नहीं निकल रहा इनकी जेब में से। मैं उन्हें बोला भाव ने पैसे दो, मैं दूसरी गल की थी। आप फैक्ट्री के ओनर है, 300 रुपया तो बंदा आते जाते पकड़ा देते हैं किसी गरीबों को। भाव ने मेरे पैसे पाओ, मैं दूसरी गल नहीं की थी। बराते ने हम जाने गया, मैं तेरे ट्रांसफर करना पैसे पड़ा मैं खाते ने रंगा ऐसे। सुभान जी, ये पिज्जा के लिए पैसे इकट्ठे हैं। ये तो टिप है उस बंदे की ना, ये अलग रखो ठीक है। ये देखें जी पैसे अभी निकले हैं सबकी जेबों में से और पिज्जा खाने लगे हैं। तो भाई पिज्जा ऑर्डर किया था, उसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ही खौफनाक बातें करने लगे सारे, अपनी अपनी जिंदगी के किस्से वाकये सुनाने लगे कि क्या क्या किसके साथ हुआ था, कोई भी खौफनाक कहानी किस्सा वो सुना रहे थे। तो इतने में हमारा टाइम जो है वो पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी जो है वो बड़ा खौफ आ रहा है, वैसे सभी डर भी रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए जी पिज्जे। खोलना भाभी वो उधर से खुलेगा, इधर ले दो। बारिश हो रही है? बारिश हो रही है? वाह माशाल्लाह, इतना बड़ा खाए जाए हमसे पिज्जे। ये तो बहुत बड़ा सा है, नजर भी नहीं आने। ये तो दो ही पूरे हो जाने, नजर भी नहीं आने। इधर डोनर भी एक मंगवाते रहते हैं। मुझे भी टेप लगी हुई ना साइड। चलो भाई चलो, वो भी मैं कह रहा हूँ उधर रख लेना एक सामने बन जाएगा चीना उधर। हाँ नो बेटा, सब लाइन में बैठेंगे ना, उसको पहले मिलेगा जो लाइन में बैठेगा। पिज्जा पार्टी, पिज्जा पार्टी। तो इधर खाने के बाद अब ने खा के वॉक करने छत पे चलते हैं। वॉक करने छत पे चलते हैं। अब यहाँ पे टाइम क्या हो गया? यहाँ पे टाइम हो चुका है जनाब रात के कोई 1:15 का, ठीक है 1:15 हो गया। और हम लोग यहाँ वॉक कर रहे थे, मैंने कहा कि काले काले पाँव दिखा ले, और इस टाइम कोई बहुत ही काले पाँव आ रहे हैं। अल्लाह माफ कर। कौन कौन इधर? यासीन इधर। यासीन नहीं है? यासीन नहीं, वो कसम यासीन नहीं है, ये यासीन नहीं है, कसम से यासीन नहीं है, यासीन नहीं है, सही बात है, यासीन नहीं है वहाँ पे, नहीं है ना, सीरियसली कोई भी नहीं है। मैं लाइट ऑन की हुई है महक, नहीं आओ आगे नोशी आना एक मिनट अगे आए भाई सर, सीरियसली चलो तो सही भाई सर, चलो तो सही। कहाँ है यासीन?
कहाँ पे और कोई डरे ना डरे नाल वाले डर जाके मतलब तो सानू डरा दे होफनाक लगता होना ओ होफनाक लगता है अल्लाह माफ करे आ जाओ इधर तो छोटी वाली सिस्टर और उसके हस्बैंड जो हैं वो इधर करीब से ही आते हैं मतलब कोई थोड़ा ही फासला था उनका घर है तो वो अभी इस टाइम चले जा रहे हैं अपने घर पे और बड़ी वाली सिस्टर और छोटी जो मुझसे छोटी वाली है वो दोनों रुकेंगी इधर ही बहुत मज़ा आ रहा था इकट्ठे इन्जॉय कर रहे थे काफ़ी 2:30 बज गए थे हमें और अब बस सोने लगे अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।